कौन है तू? नाम की है तेरा? अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो बाबूजी बाबूजी मुझे पहचान जाएंगे। मैं पूछ रहा नाम क्या है तेरा, बोल। अरे अलीमा, तू यहाँ? तू कब आई? अच्छा हुआ तेरे हाथ में ये देख लिया मैंने, वरना तो मैंने पहचाना ही नहीं था तुझे। अपनी चारों पक्की सहेलियों को एक एक ये दे रखा है मैंने। अरे डायरी मिल गई। इत्तेफाक देख, यहाँ तुम मुझसे अपनी डायरी वापस लेने आई और वहां ये तांगे वाला भाई डायरी वापस करने आया। अलीमा मुझे माफ कर दे, मुझसे गिर गई थी तेरी ये डायरी, मुझे माफ कर दे। तू चली जा यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। ये मरजानी पकड़ी कैसे नहीं गई? इसकी कुंडी किसने खोली? ये रंगे हाथ तो पकड़ी कैसे नहीं गई? रब रब रब, तेरा घर को इस टांगे वाले का सारा मजा करके रहा हो गया। मनुस तू डर मत, तू जल्दी से जाके टांगे पे बैठ जा, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ए भाई तेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं क्या जवाब देती अपनी सहेली को? जब मैंने तेरी सहेली को आवाज दी तो नाम क्यों नहीं बताया उसने? ताया जी वो बड़ी शर्मीली है ना, अब हर कोई मेरी तरह आपके सामने चपट चपट थोड़ी ना कर सकता है। ए भाई इसे घर छोड़ देगा वो कबूतर खाने वाले चौक पे? हाँ जी 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 बिल्कुल। अरे माफी चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। चलिए चलिए बादल मियां। चुप बेटा। जी अम्मी जान। जान बुझी। अजय एक मिनट भी आप और लेट होती ना तो लालच जी हमारी खटिया खड़ी कर देते, लेकिन जी दिल को सुकून मिल गया कि आपकी अमानत ना आपके पास पहुंच गई। शुक्रिया, अब बस आप यही रोक दीजिए। यहाँ पे? जी। अरे लेकिन आपको तो वो कबूतर खाने वाली गली जाना है ना। अरे चलिए ना, छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया है, आप यही रोक दीजिए। तो ये बाटर मियाँ यही रुक जाइए अब आप। सुनिए, आपने ये डायरी पढ़ी तो नहीं है ना? अजी सच कहे, इरादा तो किया था हमने पढ़ने का। जी जी, लेकिन आपकी डायरी पर जो आपने पहले पन्ने पर नसीहत लिखी है ना, उसको पढ़ने के बाद तो दूसरा पन्ना खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। वैसे जी बहुत खूब लिखा है जी आपने, पराया माल, पराई औरत, पराई डायरी को हाथ लगाना अच्छी बात नहीं है। सहमत हो तो दूसरा पन्ना ना पलटे। अच्छा एक बात बताए, वैसे हम आपको, हमने तो जी स्कूल में भी पहले पढ़ने तक पढ़ा है, अगर दूसरा पढ़ना पढ़ लेते तो एकदम टांगा तोड़ के चला रहे होता। आप ही बताइए हमें। ये लीजिए। अच्छा इसको रहने दे, अगर आपको कुछ देना है ना हमें तो बस दुआ दे दीजिएगा कि हमारे जनाब रणधीर राय राधा को रांझन का पता मिल जाए और आपको रणधीर राय राधा।
मत मार गई है तेरी, भूल मत जान बसती है तेरी इस डायरी में। आज इसी जान ने जान कर लेनी थी मेरी, अगर अगर ये डायरी बाबूजी के हाथ लग जाती ना वशमा, तो उन्हें पता चल जाता कि ये कहानियां लिखने वाली रंजन ये मैं हूँ। गलती तेरी कहानियों की नहीं है, गलती तो इस दौर की है जिसमें हम पैदा हुए हैं। पर तेरी कहानियों में तो पूरी काबिलियत है ना इस दौर को बदलने की। मेरे से नहीं बदला जाना कोई दौर शोर, मैंने खुद को ही बदल लेना है। कभी कभी तो मुझे लगता है तो रंजन है ही नहीं। कितने अलग है तू अपनी कहानी की हीरोइनों से। ओए इतना डरेगी तो जिएगी कैसे। मैं सिर्फ अपने बाबूजी के प्यार से डरती हूँ वशमा, और किसी से नहीं। कोई दुख नहीं देना चाहती मैं उन्हें। लेकिन अमृत सुन, प्यार के लिए कत्ल करने की क्या जरूरत है वशमा। गला मत घोट, ना खुद का और ना अपने सपनों का बेवकूफ। तू सिर्फ तब तक जिंदा जब तक तेरी कहानियां जिंदा है। अगर इन्हें जला देगी ना तो इनका धुआं तेरा दम घोट देगा। इनकार माशूक का हो या रंजन का, बेसब्र कर ही जाता है। और किसी का चैन और सब्र लेना हसीनाओं का काम है, लेखक का नहीं। आपकी हाँ के इंतजार में रणधीर राय साहब। चल छड़, ये बता कैसी रही तेरी तांगे की सवारी। भला मानस, घर तक चलाया तेरी डायरी देने है। हाँ बंदा है तो अजीब। ओए होए 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 होए, ओए राज रानी, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, आप क्यों इससे सर खपा रहे हो। ना जी ना, खसम खास अलमारी है ये। आपके दिए हुए सारे गहने ना मैं इसी में ही रखती हूँ। मजाल है, कोई और हाथ लगा दे। अब इन गहनों से मोह करने का टाइम चला गया। की मतलब। चिट्ठी आई है राय साहब की। राय बहादुर तांगे वाला, अंदाज तो ऐसा है कि यही नाम होना चाहिए था उसका। गोरा चिट्टा रंग, गबरू जवार, बात करने का अदब, पेश आने का सलीका। अगर आपको देनी है तो दुआ दीजिए। वाह, ऐसा लग रहा था रेडियो लाहौर सुन रही। होए 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 होए, लगता है तेरे जहन में नई कहानी पकनी शुरू हो गई। जी हाँ, पढ़िए रंजन की अगली कहानी, मोहब्बत गबरू तांगे वाले और एक सहमी हुई हसीना की। लड़का शरीफ है, खानदानी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर्मा यार है अपना। उसका बेटा ना वो रणधीर रायजादा, अखबार निकालता है, वही उल्लू लाल वाला। पर वो जरूर अपने पापियों की तरह शरीफ होगा। कर्मा दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की सोच रहा है। हाँ कर दूं, आपकी क्या राय है। अरे भाई रणधीर और अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। लो जी, इतना चंगा रिश्ता सामने से आया तो इसमें सोचना क्या है। बड़ा नाम है रायजादों का, ऐश करेगी साड़ी कुड़ी। बिल्कुल। ओ अमृत, ओए अमृत, ओए एक ऐसी जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ, जे लड्डू पेड़े खिलाने का वादा करे तो बताओ। ओए रहने दे रहने दे, अभी यहाँ सिर्फ रणधीर रायजादा की बातें हो रही। ओ हाथ दोगे यार, तुम लोगों को पहले से ही मालूम है। ओए क्या मालूम है। ओ यही कि रणधीर रायजादा के बाबूजी ने रणधीर रायजादा का रिश्ता भेजा है हमारी अमृत के लिए। दुआ दे दीजिएगा कि हमारे जनाब रणधीर रायजादा को रंजन का पता मिल जाए, और आपको रणधीर रायजादा। ओए तुम दोनों को मालूम है ताया जी लगभग मान भी चुके हैं। बड़ी मरी जा रही थी ना तू, रणधीर रायजादा से मिलना है, रणधीर रायजादा से मिलना है। ओए आ जाना है, उसने बुए पे बरात लेके फिर मिल लियो। ओए पर तुम दोनों कुड़ियों मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, बाबूजी को खुद रिश्ते की बात आगे बढ़ाने देना, जाके पूछताछ मत करने लगना, पूछना तुमने छितर मेरे पड़ जाते। ओए तुम पागल है क्या, कुड़िया खुद थोड़ी ना करती अपनी ब्याह शादी की बात अपने माँ पियो से। रणधीर रायजादा, वो इन्ने बड़े अखबार का मालिक, कराची के सबसे रईस आदमी, वो मुंडा तो
विलायत पढ़ के आया ना, और सुना है बड़ा गबरू जवान है। हाँ हाँ, मुट्ठी भर भर के पाओ नमक मेरे जख्मों पे। आए मेरी किरण बाला, ना चंगा मुंडे का रिश्ता आया और पराजी को दिमाग में अपनी अमृत आई। बचपन में जब वो टॉफियां लाते थे ना, सबसे पहले तुझे बुलाते थे, ओ किरण बाला, और उसके बाद अपनी अमृत को देते थे। अब जब चंगे मुंडे का रिश्ता आया तो अपनी अमृत नजर आई। सही कहते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। चल रोना बंद कर। सुना है कराची में समंदर है और बड़ी बारिश होती है। सोच, समंदर किनारे घूमते बादलों के बीच हम चारों कैसे लगेंगे? चारों? हाँ, वहां जाके मेरे लिए ढूंढेगी किसी को। पक्की वाली सहेलियां है, साथ साथ रहेंगे कराची में। एक बात बोलू एकदम सच, मैनू ना एक बारी मिलना है रणधीर से। लगता है अब खुदा से दुआ करनी ही पड़ेगी। क्या है ना राजरानी, रंदी रायजादा ना कुछ दिन मेहमान बन के हमारे घर में रहेगा और नए जमाने का मुंडा है, तो बाप बेटे का कहना है कि कुछ दिन हमारे साथ उठ बैठ लेगा तो हमारे मिजाज को समझ जाएगा और उसे कुड़ी की अच्छाई भी नजर आ जाएगी। पर तुसी इतनी बड़ी गल मन कैसे गए? ओए पहले तो मैं मना करने वाला था, पर मुंडा बड़ा ही अच्छा है, ऊपर से खानदानी तो है ही है, और फिर हमारी लड़कियों को तो लोक लाख की समझ है, वो मर्यादा में रहना जानती है। और हाँ एक गल और, ये रिश्ते वाली बात घर में किसी को बताना नहीं तू, और मोकर को तो बिल्कुल नहीं, उसको इतनी बड़ी बात हजम नहीं होनी, उसने तो खुशी के मारे मोहल्ले में जाके पकड़ा पाना शुरू कर देना है। हाँ भाई, रब ना करे कल को किसी वजह से अगर मुंडा रिश्ते के लिए ना कर देता है तो खाम का हमारी तो बदनामी हो जानी है ना। ख्याल रखिए इस गल का। हाजरानी है जी, ब्रिज की कोई खबर है? भौजी लेकिन सवाल आ रहा है, खबरदार अगर आज के बाद तूने जवान बेटे पे हाथ उठाया तो। नहीं जाऊंगा इस बार घर, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आ जाओ बादशाह, आ जाओ। ओ बजा के शंभू डोल और ताशा, शुरू करेगा खेल तमाशा। बापी पेट का सवाल है जनाब, वरना कौन अपने कलेजे के टुकड़े को 20 फीट ऊपर। पेश करता हूँ आप सबके सामने अपने जिगर के टुकड़े राधा को। चल पैसे निकाल, पैसे। तू यहां? तू अनुरब दी सौ, किसी को बताना नहीं मैं यहां पे छुपी हुई हूं। वो लोग गए क्या? गए।
बाऊजी, आज वो अखबार में कोई अच्छी खबर? इसीलिए कहता हूँ तू पढ़ाई कर ले ताकि खुद पढ़ सके अच्छी खबर। इन चांदी के बर्तनों को ना रसोई में ले जाके चंगी तरह से चमका देना है? और अब्दुल, जा तू भी अपनी बहन की मदद कर। जी। जा जा जा। अरे वाह, चांदी शांदी के बर्तन, क्या पर जाए जी, कोई मुंडा शुंडा तो आने वाला नहीं है? क्यों मगर, ऐसी नहीं कर सकते साफ सफाई। हाय पर जाए, बिल्ली को तो ख्वाब में भी छींचड़े ही दिखाई देंगे ना, की करा। जवान कुड़ी की माँ हूँ, हर वक्त बस उसी के ब्याह की चिंता होती रहती है, आधी हो गई हूँ मैं। ओए मोगर, तू फिकर ना कर, किरण मेरी भी बच्ची है, मैं बैठा हूँ ना इधर। मगर मैं क्या सोच रही। मुंशी जी आइए आइए, नमस्ते जी, आइए बैठी। लाला जी एक मिनट बाहर आओगे जरा? मैं अभी आया। ये मुंशी जी राजी को इस तरह से क्यों लेके गए हैं? क्या बात है मुंशी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मंदर नहीं बता सकते थे? तुम्हारी बेटी तो ठीक है। वो बात मेरी बिटिया की नहीं लाला जी, वो बात आपके छोटे पुरा की है। क्या हुआ ब्रिज को? जाई जी, साड़ी लाडो रानी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? 16 सोमवार पूरे हो गए ना उसके, तो जल चढ़ाने गई है शिवलिंग पे। ओ रब 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 रब, पक्का कोई राजकुमार लिखा है उसके नसीब में। ओ यार और कितनी देर में आना है नूरानी? ओ जल्दी से मिलकर बातें करके चलते हैं यहाँ से। कुड़ी पटाने आया है डॉक्टर की दवाई लेने, ढंग से पटाई हो, उसी की सिफारिश से हॉकी टीम में सिलेक्शन होना है तेरा। ओ यार लेकिन मैंने कभी किसी कुड़ी से ना मिला हूं ना बात की है। मुझसे तो बड़ा मुंह खोल-खोल के बात करता है। हां ओए ओए, मैं लड़की की बात कर रहा हूं, पूरे बचपन में मेरी ही निक्कर पहन के मेरे ही सामने घूमती रही है, और तुझसे किस बात की शर्म? तो नूरा को भी थोड़ी देर के लिए वशमा समझ लेना, जैसे ही वो आए उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना। क्या? कि तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे सुंदर आंखें। तुम्हारी आंखें इस दुनिया की सबसे सुंदर आंखें। जानती हो क्या दिखाई दे रहा है इनमें? एक जीना है मोहब्बत का, जिससे होकर तुम्हारे दिल में उतरना चाहता हूँ। एक जीना है मोहब्बत का, जिससे होकर तुम्हारे दिल में उतरना चाहता हूँ। वो गाना याद है? वो गाना याद है? बेवकूफ, जैसे ही नूरा है ये गाना सुना के माहौल बना देना। आप समझ रहे हैं ना भोले बाबा? नहीं मतलब माना कि पंजाब की सारी कुड़ियां मरती है उस पे, कहीं कुड़ियों के अरमानों पे स्वाहा पह जाना है उसकी बाकी खबर सुन के। सुना है बड़ा सुना है, कबरू है, पर मैं तो सिर्फ उसे उसके छपे लेख और उसकी भेजी चिट्ठियों के जरिए ही जानती हूँ। फ्यास से पहले एक बार मैंने देखना है उसे, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। नहीं मतलब हक बनता है मेरा, अब ये हक पाऊजी से तो नहीं मांग सकती, तो आप ही मदद कर दो ना मेरी। माना कि कुड़ियों वाले जज्बात है, अगर आपको समझना है तो आप पार्वती मैया से समझ लेना। ले आ गई तेरी हॉकी की टिकट। नूरा मेरी सहेली, और नूरा ये उदय मेरा। मेरा पड़ोसी है। तुम बैठो ना, बैठो बैठो बैठो, तुम भी बैठो, तुम लोग बैठो, मैं एक किताब लेके आती हूँ। आप
वशमा के साथ पढ़ती हैं जी, बताया नहीं उसने आपको? नहीं वो पापा आप, आप ये आप वाली स्टेशन पे गाड़ी क्यों अटक गई आपकी? हाय, बड़े दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे, कभी मिला नहीं ना इस तरह किसी लड़की को। पिक्चरें देखते हैं आप? नहीं जी, हॉकी खेलता हूँ। बड़ी अच्छी खेलते हैं। हाय रब्बा, बड़ी बेशरम है, पहली मुलाकात में हाथ पकड़ लिया इसकी तो। अरे रणधीर रायजादा साहब तो चले गए जी। क्या क्या कहा आपने? किसका नाम लिया आपने? रणधीर रायजादा मतलब वो नवहिंद समाचार वाले, वो यहाँ आए थे? अरे आपने देखा नहीं जी, सफेद कलर का शर्ट पहने थे, गले में जामुली कलर का मफलर था, और वो हर साल यहाँ पर आते हैं और अनाथ आश्रम के बच्चों से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। इस वक्त वो कहाँ होंगे? हो सकता है लाइब्रेरी में चले गए हों। सलाम। सर, गाना सुनाने को कहा था, पहली मुलाकात में हाथ दबाने को नहीं, भाग गई ना? ओ वशमा, ओ मैंने नहीं हाथ पकड़ा था उसका, उसने मेरा हाथ पे अपना हाथ रखा था, समझी? ओ यार, ये कुड़ियां वुड़ियां पटाने वाले तरीके ना मुझे नहीं आते, तो ना कोई और तरकीब सोच। अमृत, 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 क्या हुआ? वो ऐसे भाग भाग के क्यों आ रही है? वो रणधीर रायजादा, वो यही है इसी लाइब्रेरी में, यहाँ? उसने सफेद रंग की शर्ट और जामनी रंग का मफलर पहना हुआ है, मैं चेहरा नहीं देख पाई उसका। अच्छा सुन, तू वहाँ पे देख, मैं यहाँ पे देखती हूँ। उदय तू भी देख। हाँ, हाँ। अरे अरे, लाइए लाइए जी, आप ठीक तो है जी? हाँ, वो देखो नवहिंद समाचार के एडिटर रणधीर साहब। सफेद कलर का शर्ट पहने थे, ओए नहीं 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 नहीं, नहीं। ये रणधीर रायजादा नहीं हो सकता, जिसके पूरे पंजाब में चर्चे, ये नहीं हो सकता। सर, रणधीर रायजादा के लिए ट्रंक कॉल आएगा 5 मिनट में, चलिए मैं आता हूँ। ओए, ओ यही है रणधीर रायजादा, लेकिन इसकी उम्र तो अपनी अमृत से दुगनी से भी ज्यादा है। इतने बड़े उम्र वाले बंदे से ब्याह करवाएंगे तेरा पाऊजी? की कीता तू ब्रिज, की कीता, की मजाक ला रखे तू? मजाक नहीं है प्राजी, ब्याह कर लिया मैंने इस कुड़ी नाल, वोटी है ये मेरी। खानदान की इज्जत का तो एक ही कर रहे हो लाला जी, लोग देख रहे हैं, जो भी गल करनी है ना अंदर चल के कीजिए। हाँ जी चल। देखिए कोई तमाशा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये घर की बात है, आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। चलो भाई चलो चलो। ये इतनी भीड़ क्यों है हमारे घर के पास? पता नहीं भानुवीर जी, ये इतनी भीड़ क्या हो गया? उदय तेरे बाबूजी ने ब्याह कर लिया। क्या? एक 19-20 साल की कुड़ी देना। हाँ?
मेरी भी कोई मर्जी है, जिंदगी है, अरमा है। कुत्ता बना के रखा इस घर में सबने मुझे। एक बेटा है जो सुनता नहीं, बड़े प्रा इसे शह देते हैं। है कोई इस घर में जिसे अपना कह सकूं मैं? इसलिए ले आए इसे अपना बना के। पर ये कुड़ी है कौन, किस खानदान से आई है, इसकी कोई जात बिरादरी है कि नहीं? कल तक तो सड़क पे करतब दिखाने वाली बंजारन थी, लेकिन आज से मेरी घरवाली है और आज से इसका खानदान भी वही है जो आपका है, मेरा है, हम सबका है। ओ रब 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 रब, ओ करतब दिखाते दिखाते सीधे हमारे घर में ही करतब दिखा देगी, ये बढ़िया है। उदय मैं समझाती हूँ। तेरे माँ प्यो को पता है तेरे विवाह के बारे में? अनाथ है, कोई नहीं है इसका मेरी तरह। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ तेरे से, तेरे नाल कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई ना? वीर जी, मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। ओ नहीं जी नहीं, इन्होंने तो जबरदस्ती करने वालों से बचाया मेनू। वो क्या हुआ था ना? लेकिन तू यहाँ छुपी क्यों? आपने देखा नहीं, वो लोग मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए आए थे। मेरा वो मुंह बोला मामा है ना, वो मुझे उनके साथ दूजे शहर भेज रहा था। मुझे नहीं जाना उनके साथ दूजे शहर, मुझे बड़े गंदे लगते हैं वो। और मैं तनु चंगा लगा? आप? हाँ आप चंगे लगे, वो आपने मुझे अपने पीछे लुकने दिया ना, तो आप तो अच्छे हुए। व्याह करेगी मेरे नाल? ऐसे इन्होंने मुझे बचाया। वो क्या है ना, मेरा वो मामा है ना, वो बोलता था कि मेरे नाल कोई व्याह ही नहीं करेगा, मेरे माँ पियो को कोई अता पता नहीं है और ना ही कोई मेरे आगे पीछे है। पर ये मुझे रानी बना कर लाए इतनी बड़ी हवेली में। रब 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 रब, और पहले वो भांड आते थे, जी हजूरी करते थे, अब ये कुड़ी आ गई है, मैं करतबबाजी दिखा के उनका दिल बहलाएगी। इस कुड़ी ने ही कुछ किया है, मेरे भोले भाले ब्रिज पाजी को इसी ने फंसाया है। वरना जवान मुंडे के ब्याह की उम्र में कोई खुद सहरा पाके आ जाता अपने सर पे, और नहीं तो क्या, मेरा कलेजा भूखो आ रहा है, मेरे उदय पुत्र का क्या होगा? सारे लोग उंगली उठाएंगे, सारे लोग कैसी कैसी बातें करेंगे गली मोहल्ले में, कहेंगे ये जा रहा वो मुंडा जो अपने से छोटी उम्र की बच्ची को माँ कहता है। कोई कुछ भी कहे चाचा जी, इस मामले में मैं आपके साथ हूं। आप बस ये बता दीजिए कि ये राधा इनका असली नाम है या कि किसी ने ऐवें ही रख दिया है? मतलब ये कि ये कुड़ी तो हिंदू है ना? हाँ हाँ बिल्कुल हिंदू है। तो बस फिर तो सब ठीक है। ये तो पवाड़ा पै गया जी, मैं क्या हूं की करांगे? करना की है, गांव फड़ के बाहर कढ़ांगे। मखमल दे कालीन ते टाट दा पैबंद ते नहीं लगा सकते ना? देखो जी, अब वो बंजारन साडे घर की बहू बन गई है, इज्जत बन गई है साडी। घर में रखेंगे ना तो लोगों ने हंसना है,
पर बाहर निकालेंगे ना तो लोगों ने थू थू करना है। मैं तो कहती हूँ जी, जो हो गया सो हो गया। बेटियां किस घर में जाती हैं ये देखना जरूरी है। बहुएं तो चाहे किसी भी घर से क्यों ना है, कुछ दिनों में तो उन्हें रल मिल जाना ही है ना। क्यों जी? उस कुड़ी की उम्र देख और चाचा जी की उम्र देख। पर तेरे साथ भी तो यही हो रहा है ना अमृत। तेरे बहुजू तो तेरा रिश्ता एक ऐसे आदमी से करना चाहते जो उम्र में तुझसे बहुत बड़ा है। यही तो समझ नहीं आ रहा है वशमा, पाऊजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। कुछ भी हो, मैंने उनसे इस बारे में बात जरूर करनी है। बताना है उन्हें कि उम्र के फासले दिलों के फासले बन जाते हैं। अगर मुंडा कुड़ी एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं तो सारी जिंदगी साथ कैसे गुजारेंगे। बात तो तेरी बिल्कुल सही है राज रानी, लोग लाज के चलते मैं उसे अपनी बहू तो बना लूं, मगर ब्रिज की ये हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं क्या जी, छोटे भरा है वो तुहाडे, हुन जो हो गया सो हो गया। आप इजाजत दो तो नवी बहू के साथ गृह प्रवेश की रस्म कर ले। अमृत जी, आजा पुत्र, आजा आजा। की गल दस? ओ बहुजी। दस दस बोल। बहुजी मुझे लगता है कि उस कुड़ी की उम्र में और चाचा जी की उम्र में बहुत फर्क है। मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, उनका रुतबा देखा जाता है। और तेरे चाचा का रुतबा यह है कि वो लाला रतन किशोर सानी का छोटा भाई है। मुझे एतराज उस लड़की के खानदान से था, मगर अब उसके खानदान से तो उसका कोई रिश्ता है नहीं। अब तो वो हमारे खानदान की हो गई है। पर बाऊजी, वो बेचारी कुड़ी तो बेचारी इस हवेली में आके राज करेगी। अरे पाक खुल गए उसके। पुत्र, लड़कियों की उम्र रूप और उनके हुनर देखे जाते हैं, और मर्दों का खानदान, दौलत और जिगर, यही दस्तूर है जमाने का। राज रानी जी, क्यों ना कल एक जलसा किया जाए कि सारा लाहौर देखे कि लाला ब्रिज की खुशी में उसका पूरा खानदान शामिल है। ये तो बहुत चंगी गल है जी। चलो फिर गृह प्रवेश की तैयारी शुरू करो। हाँ जी। चल पुत्र। तैयार होके थल्ले आ जाना और अपने हाथों से सबको परोसना। चल आजा आजा आजा। परछाई जी आजा। छेती कर, अंदर कपड़े और गहने रखे, तैयार हो जा। ये मेरा कमरा है।
तमाशा होगा। इस बिखारन का ना मैं जीना मुश्किल कर दूंगी इस हवेली में। पर क्यों? उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है आपको? अब अपनी किस्मत का बदला किसी से तो लूंगी। और छोटी सी उम्र में मेरा विवाह कर दिया था, और छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। भाइयों की इस हवेली में बहनों का कोई हक नहीं होता। मैं तो इनके टुकड़ों पे पल रही हूँ, टुकड़ों पे। अब जब मैं ही खुश नहीं हूँ तो इस हवेली में कोई खुश नहीं रह पाएगा। ओए खुशी दा मौका है राज रानी है। ओए ब्रिज आजा 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 बैठ। भाई नई नू रानी मिठा बना के ला रही है तो घर के हर बंदे को तो होना ही चाहिए ना। ये उदय कहाँ है? अमृत जी उधर उदय कहाँ है? देख कमरे में होना, बुला के ले उसको। जी जी छेती जा। यही रुक, मैं दिख के आती हूँ। मैं यहाँ क्या कर? भाऊजी कल के जलसे की खबर का नौता सब जगह पहुंच गया है। अच्छा, बड़ी रौनक लगने वाली है कल। ओ वधिया वधिया, बहुत वधिया। ओए कुड़िए, घर वालों की बात है ना, तू यहाँ क्या करे? जा बाहर जाके खेल, चल। कोई और कह दे मैं बाहर वाली, अब भी चली जाऊंगी। ओए वशवा पुत्र आजा बैठ, आज इतने रोटी खा के जा। जी दादाजी। आजा पुत्र। उदय भी आ गया। आजा 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 पुत्र, आजा बैठ जा बैठ जा। अच्छा सुन, बाऊजी से बात करना। रुक जाओ वशमा। उदय बैठ ना, क्या हुआ? अरे तू आज मेरे पास बैठ, इधर आजा मेरा शेर, आजा आजा मेरे पास बैठ। और एक बार जाके देख तो ले, ये कुड़ी तैयार होने में इतनी देर क्यों लगा रही है? हाँ जी रवि जी। लो जी आ गई नई बहू रानी। क्या चलिए, ये कपड़े निकाल के क्यों पा लिए अलमारी से? और ये अलमारी से थोड़ी ना, वो तो मैं और रब 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 रब। और ये कैसे कपड़े पा लिए तूने? ये कपड़े पाकर तूने बेचारे उदय को उसकी माँ की याद दिला दी। पर जाई ये अलमारी से कपड़े क्यों निकालेगी? वही तो। ओ जी जरूर कोई गलती हुई है, मैं दूजे कपड़े दे देती हूँ। कोई गलती नहीं हुई है जी इससे। जी जानबूझ के पहने इसने ये कपड़े क्योंकि ये मेरी माँ की जगह लेना चाहती है इस घर में। लेकिन नहीं, मेरी माँ की जगह तुम्हें इस घर में कभी नहीं मिलेगी। ओए तमीज नाल बात कर, माँ है तेरी। माँ? जी मेरी माँ के पैर की धूल के बराबर तक नहीं है ये। और सुना नहीं क्या कहा? माँ है तेरी, माफी मांग। चल माफी मांग। नहीं जी। अच्छा रुक, अरे रुक है, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मांगता तू माफी। चल मांग माफी। ये नहीं बोल सकता जी, जबान लड़ाएगा अपने बाप से। मैंने भी देखना कैसे नहीं मांगता है माफी।
अरे मैं तनु छड़ांगा नहीं मार डालेगा। मांग माफी। मांग। मांग बोली से। नहीं बोलूंगा। और बोल मां। नहीं बोलूंगा। बोल पता। नहीं बोलूंगा। रज। बस। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? जी आते ना बहुत बढ़िया मीठा खिला दिया आपने। नारी जीवन तेरी क्या अजब लीला है, जिस आंचल में दूध वो आंचल क्यों आंसुओं से गीला है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।